लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ चुकी है। सोमवार को ही हरियाणा के सीएम पद से इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल खट्टर को करनाल लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है। जब मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को सीएम पद छोड़ा और उनकी जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया, तभी से ये कयास लग रहे थे कि खट्टर को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मंगलवार को ही विधानसभा की सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इससे ये कयास और तेज हो गए कि उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है और बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। लेकिन बीजेपी की सेकंड लिस्ट में खट्टर अकेले नहीं है जो किसी स्टेट के सीएम रहे और अब लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस लिस्ट में दो और ऐसे नाम हैं जो किसी राज्य के सीएम रहे हैं और अब लोकसभा चुनाव में उतारा जा रहा है। इसमें एक नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत का। त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 मार्च 2017 से लेकर 2021 तक उत्तराखंड के सीएम रहे थे। बाद में उनकी जगह पर तीरथ सिंह रावत को सीएम बना दिया गया। अब त्रिवेंद्र रावत को लोकसभा चुनाव में उतारा गया है। इसके अलावा दूसरी लिस्ट में बसवराज बुमई तीसरा ऐसा नाम है जो पहले सीएम थे और अब लोकसभा का टिकट दिया गया है। बुमई कर्नाटक के 23वें सीएम थे। बुमई 18 जुलाई 2021 से लेकर 19 मई 2023 तक सीएम रहे। कर्नाटक में बीजेपी के चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की सरकार आ गई और बुमई की जगह सिद्धारमैया सीएम बन गए। बता दें कि हर बार चुनावों में कुछ बड़े फेरबदल करना बीजेपी की रणनीति रही है। बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए अक्सर विधानसभा चुनावों में टिकट बदलती है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी कुछ इसी तरह के फैसले दिखाई दिए थे और इस बार भी बदलाव की बयार दिखाई दे रही है। अंदर खाने ये भी दावा किया जा रहा है कि जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों को टिकट दिया गया है उन्हें जीतने के बाद बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। खासतौर से मनोहर लाल खट्टर का नाम इन कयासों में सबसे आगे है। बता दें कि 2 मार्च को बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए पहली लिस्ट जारी की थी जिसमें 195 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया गया था। इसके बाद आज दूसरी लिस्ट सामने आई है जिसमें 72 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान है। इसमें मनोहर लाल खट्टर, त्रिवेंद्र सिंह रावत और बसवराज बुमई के अलावा जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी का नाम पहली लिस्ट में नहीं था जिसे लेकर महाराष्ट्र के प्रमुख नेता उद्धव ठाकरे ने कमेंट किया था और कहा था कि नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ नेता को टिकट नहीं दिया गया है, वो हमारे साथ आए, हम उन्हें चुनाव जिताकर लोकसभा में भेजेंगे। इसके बाद गडकरी ने उन्हें अपनी पार्टी संभालने की नसीहत दी थी। अब दूसरी लिस्ट में गडकरी को नागपुर से टिकट दे दिया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस खबर को लिखा है हमारे डेस्क के साथी अपूर्व श्रीवास्तव ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल के साथ।